हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पांव, और इसका एक खास लक्षण है पेशाब दूध की तरह होना। यदि आपको पेशाब के जगह पर यानी पेशाब जो आ रहा है दूध की तरह आ रहा है तो इसको हल्के में न लें, फाइलेरिया की जांच कराएं। माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आने के कारण आप विदेश में काम करने के लिए ज़्यादा तनख्वाह यानी ज़्यादा सैलरी पर काम करना चाहते हैं विदेश में, हमारे नौजवान भाई बहन, तो माइक्रोफाइलेरिया के वजह से आपका वीज़ा रद्द हो सकता है। तो आप पहले ही जो विदेश में जाना चाहते हैं तो वीज़ा के लिए तब अप्लाई करें जब आप पहले ही जांच करा लें। यदि माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आ गया है तो उसका होम्योपैथिक निदान आपको 100% मिल जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक यूपी का एक अली जी, कौन नाम करके अली जी उनका रिकॉर्ड में है, उनका हमने इलाज किया था और 40 दिन में माइक्रोफाइलेरिया उनका निगेटिव हो गया। अब वो विदेश जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं, अब उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। उन्होंने बहुत हमें धन्यवाद बोला, डॉक्टर साहब आपके वजह से मेरा वीज़ा रद्द नहीं हुआ और मैं पूरी तरह से फिट हूँ। हालांकि 40 दिन में माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव हो गया, फिर भी मैं 3 से 6 महीना दवा खाने के लिए हम बोलते हैं हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट से केवल और केवल आपको जो पैर फूला है उसमें थोड़ा बहुत आराम मिलता है, हेट्राजन से आराम मिलता है लेकिन ठीक नहीं होता है। माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आता है तो इस बाहरी शरीर में देखने के बाद में कहीं पर भी सूजन नहीं रहता है। जब आप विदेश में जाते हैं चेकअप कराते हैं अपने माइक्रोफाइलेरिया का, आपका मेडिकल होता है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो ये कम से कम होम्योपैथिक दवा से आपको निगेटिव हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ और प्रमाण के साथ हम बताते हैं। किस मरीज को किस डेट में ठीक हुआ है उनकी लाइव रिपोर्ट हमारे पास है, यानी हम कभी कभी लाइव भी करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज का हम रिकॉर्ड भी करके हम डाल देते हैं। तो फाइलेरिया, हाथी पांव और ये जो पैर जो मोटा होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फाइलेरिया में कौन सा तेल लगाएं, कौन सी दवा खाएं, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक ख़ास बात है कि क्या फाइलेरिया के वजह से यानी फाइलेरिया जब आगे बढ़ जाएगा तो आपकी मौत हो सकती है। तो ऐसा हमने बहुत ज़्यादा मरीज तो नहीं देखे हैं, लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम डॉक्टर नहीं थे, उस समय में एक भुजा बेचने वाले व्यक्ति को काफ़ी आपको हाथी पाँव हो गया था, काफ़ी मोटा पैर हुआ था, कई बार उनका ऑपरेशन हुआ लेकिन अंत में उनकी डेथ हो गई। ये मच्छर के काटने से होता है। तब प्रथम तौर पर जैसे मेरा वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको करनी क्या चाहिए कि मच्छरदानी मस्कैटो नेट के बिना कभी आप न सोएं। अस्कत के मारे यानी आपको लेजी स्वभाव अगर यदि आप में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आप मशहूर सोचते हैं कई लोग क्या मच्छरदानी इसको हम लगाने जाएं, कई लोग तो मच्छरदानी लगाने के जगह पर मच्छरदानी को ओढ़ करके सो जाते हैं, जो कि तरीका गलत है। मच्छरदानी का प्रयोग आप कीजिएगा तो मच्छर कम काटेंगे। ऐसे आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे फाइलेरिया हो, कुष्ठ रोग हो, सोराइसिस हो,
स्किन डिजीज यानी कोई भी तरह का दिनाए खाज खुजली क्यों ना हो, मच्छर के काटने से चमड़े का जो बीमारी है वो बढ़ जाता है। कई सरकारी अस्पतालों का रिपोर्ट है कि मच्छर के काटने से मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और डॉक्टर कम रह रहे अस्पताल में, इसलिए उपचार करने में दिक्कत हो रहा है। यह सरकारी डॉक्टर का रिपोर्ट है और डेंगू से सरकारी डॉक्टर की मौत हो गई। लेकिन इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोटा से मोटा पैर, पुराना से पुराना हाथी पांव होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। हमने एक लाइव किया था, आपको हमें भी जानकर आश्चर्य लगा कि होम्योपैथिक दवा से 66 साल के एगो चाचा जान जो मुस्लिम थे, बुजुर्ग 80 साल के करीब में उनकी उम्र थी, 1957 का फाइलेरिया था और हमने 2017-18 में मात्र उनका 3 महीने का उपचार किया था और वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका लाइव भी हमने किया था, लेकिन उनका थोड़ा सा हाथी पांव नहीं था, फाइलेरिया था। फाइलेरिया जब आगे बढ़ेगा तो आपको आँख जो है ये लाल होने लगता है। फाइलेरिया जो आगे बढ़ेगा तो आपका आँख लाल हो जाएगा और इसमें किसी किसी को, सबको नहीं, बुखार भी आता है। जार के साथ ठंड लगने के साथ में बुखार आता है और किसी किसी को पैर के सूजन से शुरू होता है, यानी पैर सूजेगा, आपको पैर में सूजन आएगा, हाइड्रोसिल में सूजन आएगा, हाथ में सूजन आ जाएगा, उसके बाद में आँख में लाली आएगी। अगर स्त्री हैं, लेडीज हैं, तो उनके छाती में गिल्टी भी हो जाता है। ये बीमारी उतना गंभीर तो नहीं है, हमने जितना फाइलेरिया के मरीज को देखा है लगभग सब के सब ठीक हो जाते हैं। कई लोग तो ऑपरेशन का, कई बच्चे का तो ऑपरेशन का टाइम भी पड़ गया था, लेकिन उपचार से बिल्कुल ठीक हो गया। जो लोग फाइलेरिया के लिए तेल चाहते हैं, कौन सा तेल मले, तो ये तेल बहुत अच्छा काम करता है। फिलारिन ऑयल होम्योपैथी के किसी भी स्टोर पर, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इसे ले सकते हैं। फिलारिन ऑयल आपको लगाने से राहत मिलता है दर्द में, लेकिन हमें लगाने वाले दवा पर बिल्कुल भी हमको विश्वास उतना नहीं रहता है। जब फाइलेरिया आगे बढ़ जाएगा तो मान लीजिए कि आपका मोटा पैर जब होने लगेगा, तो ये मोटा पैर होने की वजह से चमड़ा जो है बिल्कुल, ये सब बाहर का जो है चमड़ा बिल्कुल सूजा हुआ रहता है और इसमें थोड़ा सा भी खरोंच लगने के बाद में यदि सुई हल जाए, पिन हल जाए, अल्पिन हल जाए या आपको कट जाए, तो आपको वहाँ धीरे धीरे पानी आना शुरू होता है और पानी धीरे 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 आते रहता है, जिससे घाव बड़ा बना लेता है। फाइलेरिया भले बहुत ज़्यादा लोगों को मृत्यु, कोई ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु ही कर दे फाइलेरिया, लेकिन आपके आयु को बिल्कुल कम कर सकता है। यानी यदि आप 90 साल जीने वाले हैं तो आपके आयु को कम कर सकता है। तो फाइलेरिया के मरीज को मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करनी चाहिए, खाने में दही और केले के प्रयोग से बचनी चाहिए। केला का प्रयोग, एक फाइलेरिया के मरीज जो हमारे आदमी थे, हमारे गार्ड का काम करते थे, उन्होंने छठ, बिहार का महापर्व छठ जो होता है, उसमें का जो प्रसाद होता है 4 केले हमने उनको दिया था और उस पर से उन्होंने पानी पी लिया और लगे भूत खिलाने, मतलब कि जार बुखार उन्हें बहुत ज़्यादा आ गया और उन्हें हमें दवा देनी पड़े इसका। तो यदि आपको जार और बुखार आता है तो इसका भी ट्रीटमेंट साथ साथ चलता है, तो ये बीमारी आपको बिल्कुल ठीक हो जाता है। फाइलेरिया का हमने यही सिम्टम ज़्यादातर देखा है कि पैर, हाइड्रोसिल, हाथ और किसी किसी का आँख लाल होता है, दूध की तरफ पेशाब होना और फाइलेरिया यदि आगे बढ़ गया तो आपको चलना मुश्किल कर देगा और उसमें घाव बन जाएगा और धीरे धीरे पानी निकलने लगता है। तो फाइलेरिया के लिए ये तो अब कई लोग समझते हैं, इतना मोटा मोटा पैर है, कई लोग सोचते हैं कि
दवा कुछ मिल जाएगा, जानकारी हो जाएगा, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा तो उसे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसको बीमारी के इलाज के लिए लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेनी रहती है डॉक्टर के देखरेख में। कोई भी दवा बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक रिसर्च कर देता है, लेकिन एक बात उस पर लिखी रहती है कि डॉक्टर के अंडर में देखरेख में आप इसे लीजिए। जैसा कोई गाड़ी है आपका, तो क्या बोलता है, अच्छे ड्राइवर खोजिए। आप गंजेरी दारूबाज पीने वालों को यदि गाड़ी पर आप बैठ गए हैं तो संभावना है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर दे। तो अच्छे ड्राइवर जिस तरह से आप खोजते हैं तो उसमें अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह से ये जो आपका फाइलेरिया है, हाथी पांव है, इसको भी ठीक करने के लिए जिनको अनुभव रहता है वही इसका चिकित्सा करेंगे, तब जाकर आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक होगा। यदि आप चाहते हैं कि फाइलेरिया आपको जड़ मूल से ठीक हो जाए और फाइलेरिया तंग न करे आपको, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। फाइलेरिया को हेट्राजन वेनोसाइट फोर्ट के दम पर आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। ज़बरदस्ती कहीं कहीं कोई कोई दवा लेकर आप खाने लगते हैं, स्वयं अपनी चिकित्सा करने लगते हैं, तो ऐसा न करें। फाइलेरिया का इलाज बिल्कुल ही आसान है। यदि शुरुआती दौर में इलाज किया जाए तो किसी का 40 दिन, किसी का 3 महीना में ही ठीक हो जाता है। यदि आपका फाइलेरिया 6 महीना का है तो मात्र समझिए कि आपको 3 महीने के इलाज से ही ख़त्म हो जाता है। यदि 1 से 2 साल का फाइलेरिया है तो आपको उसमें 8 महीने तक लग जाते हैं। अगर उसे 10-20 साल पुराना यदि आपको फाइलेरिया है तो इसमें 1 से 1 साल से ज़्यादा आपको समय लगेगा। तो आज के खास वीडियो में हम आपसे अपील करते हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग आप जरूर करें। मच्छर के काटने से ही होता है। अपने आसपास अगल बगल में गंदगी पानी को जमा होने ना दे। उसमें तेल जो होता है, किरासन तेल कई जगह कहा जाता है, उसको आप छिड़क दें। साफ़ सफाई करें, बर्तन में पानी इकट्ठा कहीं हो गया अगल बगल में तो उसे पलट दें, यानी पानी को गिरा दें। फाइलेरिया में पानी जो होता है, यदि पानी बहुत ज़्यादा आप पानी आपको हानि कर सकता है, ज़्यादातर पोखरा तालाब में ज़्यादा देर तक उसमें पैर रहकर कोई काम ना करें, जैसे धोबी लोग करते हैं, वाशरमैन लोगों को पैर में दिक्कत हो सकता है पानी में ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से। तो फाइलेरिया यदि बहुत ज़्यादा मोटा होने लगेगा पैर आपको, तो धीरे धीरे बढ़ते पर तो उसमें घाव हो जाएगा और पानी निकलना शुरू हो जाता है और आपका चलना फिरना या तो बहुत स्लो कर देगा, आप झटक कर नहीं चल सकते हैं, दौड़ कर नहीं चल सकते हैं और तरह तरह की आपको परेशानी होती है। तो आपके ज़िंदगी के जो जीवन है, लाइफ यानी एज को घटा सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि फाइलेरिया जड़ मूल से ठीक हो जाए तो आपको एक बार होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करके अवश्य खानी चाहिए। कोई भी बात हम ईमानदारी पूर्वक आपको बताते हैं, सच्चाई के साथ बताते हैं। और कुछ दिनों में आपका, बहुत सारे लोगों का हमने आपको लाइव हमने वीडियो किया था, और जैसे जैसे फाइलेरिया का मरीज हमारे पास ठीक होते जाते हैं, सबकी हम लाइव करने की कोशिश करते हैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको फाइलेरिया अब लाइलाज नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा के प्रयोग से 100% ठीक हो जाता है। 66 साल का फाइलेरिया जब ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल आप इसे लाइलाज नहीं मान सकते हैं। अब हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।